नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में ऊंचाहार विधानसभा सीट को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होगा। इस बार यहां बीजेपी के अमरपाल मौर्य, कांग्रेस के अतुल सिंह, सपा के मनोज पांडे और बीएसपी की अंजलि मौर्य के बीच मुकाबला है। ऊंचाहार का इलाका पहले डलमऊ विधानसभा सीट में था, लेकिन साल 2008 में परिसीमन के बाद डलमऊ का नाम खत्म हो गया। डलमऊ का कुछ हिस्सा सरेनी विधानसभा सीट में चला गया और बाकी हिस्से को मिलाकर इस सीट को ऊंचाहार विधानसभा का नाम दिया गया था। ऊंचाहार विधानसभा सीट पर अभी तक दो बार साल 2012 है और साल 2017 में विधानसभा चुनाव हुए हैं और तीसरी बार यहां 23 फरवरी को वोटिंग होने जा रही है। इस सीट पर 2012 में पहली बार सपा के मनोज पांडे, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य को मात देकर विधायक बने और फिर अखिलेश सरकार में मंत्री भी बने। राम मंदिर आंदोलन हो या फिर मोदी लहर, ऊंचाहार विधानसभा ऐसी जगह है जहां बीजेपी का कमल आज तक नहीं खिला। इस विधानसभा सीट पर साल 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो यहां समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम लहराया था। सपा के मनोज कुमार पांडे ने बीजेपी के उत्कृष्ट मौर्य को 1934 वोटों के मार्जिन से हराया था। सपा के मनोज कुमार पांडे ने 59,103 वोट हासिल किए थे, जबकि बीजेपी के उत्कृष्ट मौर्य को 57,169 वोट मिले थे। बीएसपी के विक्रम सिंह 45,356 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। कुल वोट प्रतिशत 28.54 रहा। इस विधानसभा सीट पर जातीय समीकरणों की बात करें तो यहां कुल वोटर 3,24,885 हैं। इनमें पुरुष वोटर 51.5% और महिला वोटर 48.5% हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में पासी समुदाय के 75,000 वोटर, यादव 50,000, मौर्य 45,000, ब्राह्मण 30,000, राजपूत 26,000, मुस्लिम 28,000, एससी वोटर 25,000 हैं, जबकि लोधी वोटर 12,000, कुर्मी वोटर 10,000 और ओबीसी वोटर 50,000 हैं। 2022 के चुनावी समर में बीजेपी इस विधानसभा सीट पर अपना कब्जा जमाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। वहीं सपा जीत की हैट्रिक लगाने की जुगत में है तो बीएसपी और कांग्रेस भी यहां जीत का परचम लहराने के लिए बेताब हैं। सभी उम्मीदवार और पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से विधानसभा क्षेत्र की जनता से विकास कार्यों को लेकर वादे किए जा रहे हैं। सपा के विधायक और इस बार के चुनाव में पार्टी की उम्मीदवार मनोज पांडे का कहना है कि अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने विकास के काफी काम कराए, ऐसे में इस बार भी विधानसभा की जनता का आशीर्वाद उनको ही मिलेगा। वहीं दूसरी पार्टियां और उम्मीदवार उनके इन दावों को झूठा बताती हैं और अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। इस बार इस विधानसभा सीट पर हो रहे सियासी रण में यहां की जनता किसे अपना आशीर्वाद और वोट देती है, कौन जीत का परचम लहराता है, किसके वादे और दावे सच साबित होंगे, ये 10 मार्च को नतीजों वाले दिन सबके सामने होगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।